वक्त की बड़ी खबर है बिहार के मधेपुरा से, जहां मधेपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। खबर है मधेपुरा के उदय कृष्णगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मधुवन पंचायत के सुनबरसा वार्ड नंबर 1 में छापेमारी कर फूस के घर में चल रहे अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इस छापेमारी में पुलिस ने एक पुनः निर्मित देसी मस्कट और देसी कट्टा, 6 अर्धनिर्मित बैरल पिस्तौल में उपयोग आने वाला 5 स्टिंगर के अलावे भारी मात्रा में हथियार निर्माण का औजार भी बरामद किया है। इस औजार में लोहा काटने की आरी, डाई, रेती, सरसी, पिलास, लुम्हा, छेनी, लोहे का रद, स्पिंगल, लोहा गर्म करने वाला भाथी आदि बरामद किया है। इस प्रकरण में मधेपुरा SP राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उदय कृष्णगंज थाना क्षेत्र के सोनबरसा में कुछ लोग अवैध हथियार निर्माण कर उसका कारोबार करते हैं, जिसके बाद DSP उदय कृष्णगंज थाना अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। बीती रात छापेमारी करवाई गई, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार लोगों में रामचंद्र ठाकुर और उनके 2 पुत्र कौशल कुमार, मिथिलेश कुमार शामिल है। ये लोग कुछ दिनों से हथियार बनाकर बेचने का काम कर रहे थे। तस्वीर में देखिए किस तरीके से मधेपुरा SP ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। चलिए आप लोग आशीर्वाद से सब समय पर ठीक होंगे। व्यस्तता कितनी है सर? कल दिनांक 17 तारीख को SDPO उदय किशनगंज और थाना अध्यक्ष उदय किशनगंज को एक गुप्त सूचना मिली मिनी गन फैक्ट्री उनके एरिया में चलने की। उस गुप्त सूचना का इन्होंने बड़ी भांति सत्यापन किया और छापामारी की। छापामारी के दौरान वहां पे मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। खुलासे से यह बात सामने आई कि उदय गाँव के रामचंद्र ठाकुर और उनके 2 बेटे हैं, ये मिलकर के, तीनों माँ बेटे मिलकर के काफ़ी दिनों से इस अवैध कार्य को संचालन कर रहे थे। उनके घर से छापामारी के दौरान में 2 निर्मित अवैध अग्नियास्त्र, जो कि लोकल भाषा में जिसको मस्केट और कट्टा बोला जाता है, वो पूर्ण निर्मित है बरामद हुआ। साथ में 6 पीस बैरल बरामद हुआ और बनाने का जितना भी उपकरण होता है वो सारे कुछ की बरामदगी उनके यहाँ से हुई है। यह पुलिस की एक अच्छी उपलब्धि है। इसमें संलिप्त छापेमारी में संलिप्त सभी पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो सारे बिंदुओं पर छानबीन हुई है, पूछताछ हुई है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, जिसको कभी बताना उचित नहीं है, लेकिन हम लोग उस पर गोपनीय तरीके से काम कर रहे हैं।